हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर एक और नया व्लॉग। सो गाइस, BYD एटो 3 का वॉक अराउंड आपने कर चुके हो, अब हम करने वाले ड्राइव एक्सपीरियंस। मगर उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। सेम टाइम पर जयपुर में BYD का एक्सपीरियंस लेने के लिए आप जेलन मार्ग पे आउटलेट है, वहां पर आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप इनको कॉल करके जहां पर भी आपको ड्राइव एक्सपीरियंस चाहिए और क्या कीमत है, बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी आप पूछ सकते हो। तो अब शुरू करते हैं एटो 3 का ड्राइव एक्सपीरियंस। मगर उससे पहले आप लोगों को बता देते हैं, कुल मिला के इस गाड़ी में आते 4 कलर, टेक्निकली 5 कलर। सो 4 कलर जो है उनमें से 3 तो मैं अभी आप लोगों को दिखा दूंगा, और जो 5वां कलर है, लास्ट वाला जो कलर है, वो इतना एक्सक्लूसिव है कि आपको अलग से वो लेना पड़ता है। तो सबसे पहले कलर से शुरू कर लेते हैं। हमारे पास में पीछे की तरफ जो कलर है, तो एक तो हमारे पास ग्रे कलर हो गया, उसके बाद में आपके पास में जो दूसरा कलर है वो है हल्का सा ब्लू शेड के अंदर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक तीसरा जो कि हम चलाने वाले हैं वो है पीछे की तरफ रेड कलर। तो 3 कलर तो देखो हमारे सामने की तरफ है और हम रेड कलर वाली गाड़ी चलाने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम सारी की सारी बातों पर डिस्कस करेंगे कि होता है ना कि गाड़ी चल रही कैसे है, क्या परफॉर्मेंस है, बाकी सारी चीज़ें। रील्स अलग से हम डाल देंगे जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर। तो आइए ब्लॉग को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं आपको BYD की इंडिया में एटो 3 के एक्सपीरियंस पे। सो गाइस, एटो 3 के साथ में मिलाते हैं हम हमारे रिलेशनशिप मैनेजर सर से। सो BYD में आपके पुराने वाला वीडियो था, उसके ऊपर हमको लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, थैंक यू सर। आज हम बात करने वाले एटो 3 के बारे में। तो सर, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इस गाड़ी के अंदर चार्जिंग बैटरी कुछ तो बताओ, मतलब बेसिक नॉलेज फिर से शेयर कर लेते हैं। सर, जो बैटरी है इसके अंदर, तो अभी करंटली नंबर 1 बैटरी टेक्नोलॉजी, अगर बैटरी की बात करें तो ब्लैड बैटरी यूज़ हुई है सर इसके अंदर। ओके। जो कि अभी करंटली नंबर 1 है एंड BYD का इसका ऑन पेटेंट है। सो दैट इज़ वाई अभी टेस्ला भी जो है BYD से ही बैटरी परचेज कर रहा है फॉर देयर सम फ्यूचर प्रोजेक्ट। वाओ, नाइस। अगर तो BYD ब्लैड बैटरी सबसे सेफेस्ट है इन टर्म्स ऑफ कंडीशन, सेफ्टी की अगर बात करें सर। सो ब्लैड बैटरी ऑन जो नीर पेनिट्रेशन टेस्ट है वो भी ब्लड बैटरी ने ही पास किया है, मतलब कोई भी कील वगैरह अंदर की तरफ नहीं जा रही है। सो सेफेस्ट है अभी। एंड अगर हमारे जो कस्टमर है जो परचेस करना चाह रहे हैं, तो एक BYD ब्लड बैटरी को लेकर वो बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं कि इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अभी तक फेस करने को आई नहीं है और सबसे सेफेस्ट है अभी ये प्रेजेंट। और सर, एक बार बताओ, इस गाड़ी की जो बैटरी है, गाड़ी की ऑल ओवर जो है वारंटी गारंटी, उसके बारे में हल्का सा अंदाजा दे दो। 6 किलोवाट की बैटरी है सर इसमें, 8 ईयर्स एंड 1,60,000 किलोमीटर की बैटरी की वारंटी है सर। एंड इफ अगर अपन मोटर एंड कंट्रोलर की बात करें तो 1,50,000 हो जाता है एंड द होल व्हीकल इज 6 ईयर्स वारंटी। वाओ। और साथ के अंदर एक बात बताओ, चार्जिंग टाइम DC AC के बारे में मैंने वैसे क्लाइंट्स को बता दिया था, मगर एक तो आप हमें चार्जर बताओ कि जब आप गाड़ी दोगे तो उसके साथ चार्जर कौन से दोगे। तो एटो 3 कस्टमर्स के लिए हमारे पास में 2 चार्जर है सर। हम अभी 2 चार्जर जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ ए वॉल माउंटेड, ये हमारी टीम ही आती है और आपके घर पे जहाँ पर भी आप इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं तो वहाँ इंस्टॉल करके जाती है। ये है सर, AC यूनिट पे वर्क करता है। अगर इसी पावर की बात करें तो ये 6.6 किलोवाट का है सर, 7 किलोवाट हम बोल सकते हैं, बट 6.6 जो है ये जनरेट करता है। सो इससे अगर आप व्हीकल को चार्ज करते हो तो मैक्सिमम 10 to 11 आवर्स ये लेगा सर। ओवर द नाइट आप इसको चार्ज कर सकते हो, ऑटो कट ऑफ फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है सर। सो ये 1 आवर के अंदर 6.6 करेगा चार्ज, तो 60 को चार्ज करने में इसको सर 9 to 10 आवर्स तो लगेंगे सर। और उसके साथ में ऐसा भी नहीं है, नहीं तो आप चार्जर निकाल सकते हैं बीच में, गाड़ी को अनलॉक नहीं करोगे तो कोई चुरा कर भी नहीं ले जा सकता वो सर। एंटी थेफ्ट इसके अंदर अवेलेबल है सर, तो अगर आपने जैसे इसको रात को लगा के छोड़ दिया है तो इसको कोई निकाल नहीं सकता, वो सेफेस्ट है इसके अंदर, तो कोई चुरा कर भी नहीं ले जा पाएगा। नाइस। तो ये तो रही यहाँ की बात है, अब हम चलते हैं सीधे के सीधे ड्राइव एक्सपीरियंस पे। आइए सर, तो मैं चलते चलते आपको एक जो व्हीकल के साथ हम पोर्टेबल चार्जर दे रहे हैं ना, वो भी आपको दिखा देता हूँ। नाइस। सर, ये एटो 3 के साथ में हम एक 3 किलोवाट का पोर्टेबल चार्जर दे रहे हैं सर, जिसको जैसे कभी अगर आप अपने रिलेटिव के यहाँ जाते हैं व्हीकल लेकर वहाँ स्टे करते हैं तो इससे आप उसको चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करने का सिंपल है सर, 16 एम्पीयर के सॉकेट में आपको इसको प्लग इन करना है एंड देन जो ये गन है आपको व्हीकल में लगाना है। ओके, ये वैसी की वैसी है जैसी नॉर्मल है, वॉल माउंट के अंदर जैसी रहती है। और ये कितनी चार्ज कर देती, कितनी देर में सर? इससे देखिए कंप्लीट चार्ज 0 से 100 तो 24 आवर्स लगेंगे सर। ओके,
पर ऐसा है कि इन केस कहीं पर कुछ नहीं है तो इन केस ऑफ इमरजेंसी रिलेटिव्स के यहाँ पे अगर आप जा रहे हैं आपको थोड़ा सा रनिंग चाहिए तो आप व्हीकल को थोड़ा चार्ज करके आप इसको ले जा सकते हैं। नाइस, तो इसका आप यूज कर तो मतलब दो चार्जर हो गए, एक वो वाला और एक ये वाला, एक वॉल माउंट है और एक पोर्टेबल है सर। नाइस, तो ये तो यहाँ की बात है। अब गाइस हम चलते हैं सीधे के सीधे ऑटो 3 को चलाने के लिए। तो सर एक बात बताओ, चाबी वाला जो फंक्शन है, चाबी मेरे पास में है सर, मैं आपको कीज को लेकर जितने भी फीचर्स हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये व्हीकल है सर, इस व्हीकल के अंदर देखिए कीज के अंदर चार फंक्शन है। आप व्हीकल लॉक अनलॉक के साथ फोर विंडो डाउन फोर विंडो आप कर सकते हैं। तो यहीं से मैं खड़े खड़े इसको अगर मुझे चारों विंडो एक साथ डाउन करने तो मैं यहीं से खड़े खड़े इसमें चारों विंडो एक साथ डाउन कर दूँगा। तो इसके लिए करना ये होता है कि ये वाला जो अनलॉक बटन है इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये फोर विंडो एक साथ डाउन हो जाएंगे सर। सेम तो देखो आप यहाँ पर ना गाइस, चारों की चारों विंडो डाउन हो गई। नेक्स्ट, अगर मुझे इसको अप करना है तो बस मुझे ये लॉक वाला जो बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा तो व्हीकल की चारों विंडो जो है ये अप हो जाएगा सर। और साथ के अंदर ओवर वीएम है वो भी अपने आप फोल्ड हो गए। अब व्हीकल लॉक कंडीशन में है, मुझे पहले से गाड़ी को स्टार्ट करके रखना है समर के लिए, होता है गर्मी ना हो अंदर, तो मैं गाड़ी को यहीं से स्टार्ट करके एसी ऑन कर सकता हूँ। ये स्टार्ट बटन को मैं कंटिन्यू लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा, ये व्हीकल स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हो स्क्रीन पर लाइट आ गई है एंड ORVM जो है ओपन हो चुके हैं सर। तो गाइज ORVM ओपन हो गए, साथ के अंदर गाड़ी में एसी ऑन हो गया। नाइस, और लास्ट फीचर इज कि व्हीकल अभी भी लॉक ही है तो कोई इसको छेड़ेगा नहीं। हाँ, तो इसके अंदर कोई बैठ नहीं सकता। नाइस, और इसके बाद में लास्ट वाला बटन, तो ये अपन बूट ओपन करने के लिए जस्ट आपको इसको डबल टैप करना है सर, व्हीकल का बूट ओपन हो जाएगा। गजब, तो पीछे वाला बूट भी आप बटन से ही ओपन कर सकते हो और इससे क्लोज हो जाएगा। बिल्कुल सर, डबल टैप करेंगे इसको देन ये बूट वापस से क्लोज हो जाएगा सर। तो गाइज ये तो रही यहाँ की बात है, अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं बाकी चीज़ें। सो गाइज अब हम चलते हैं सीधे के सीधे ड्राइव करने के लिए, और अच्छा है लाल कलर की गाड़ी। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अंदर बैठ गए। अब यहाँ पर बैठने के बाद में ये जो कोने पर है, सबसे पहले तो ये जो चाबी है ना इसको यहाँ रख देते हैं कोने पर। हमारे पास यहाँ पर स्पेस है ऊपर नीचे, तो इसमें बड़ा ही क्यूट सा परफ्यूम रखा हुआ। सर ये मुझे परफ्यूम बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने जो रखा हुआ है, खूबसूरत डिज़ाइन। और उसके बाद में सबसे पहले गाइज मैं एक एक करके ना अब आपको गाड़ी के बेसिक फंक्शंस बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा टेल गेट ओपन करने के लिए एक बटन आ गया, 8-way एडजस्टेबल हमारी सीट है जिसको हम आगे पीछे एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने हमारी जो गाड़ी की सीट है उसको एडजस्ट कर लिया जो भी हम चाह रहे हैं, तो हमने थोड़ा सा आगे की तरफ और रिक्लाइन कर लिया, ये पहला काम। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप गाड़ी चला रहे हो तो सीट बेल्ट लगाना है अनिवार्य। तो यहाँ पर हमने सीट बेल्ट लगा लिया। अब इसमें ना एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप सीट पे बैठते हो ना आगे या पीछे तो रिमाइंडर आने लग जाता है, राइट? हाँ बिल्कुल सर, रिमाइंडर आ जाएगा। अगर आपने बेल्ट नहीं लगा रखा है तो रिमाइंड करा देगा वो आपको। यस, बेल्ट लगाओ। सेंटर में हमारे पास यहाँ स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन है, जैसे आप दबाते हो वैसे ही आपके पास में मधुर सी आवाज़ आती है, दोनों स्क्रीन्स कुछ इस तरीके से दिख रही होती है, और उसी के साथ में जो लास्ट एसी कंट्रोल जो भी रखा हुआ है उसके हिसाब से एसी स्टार्ट हो चुका है। अब ये तो रहा यहाँ की बातें, अब हमने करा स्टेयरिंग स्ट्रेट और अब हम चलते हैं अगली चीज़ के ऊपर जो कि है ORVM एडजस्ट करना। सो गाइज अब हम एडजस्ट करने वाले ORVM और IRVM। तो सबसे पहले IRVM एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ से हमने प्रॉपरली एडजस्ट कर दिया और बहुत ही अच्छी साइज का आपको यहाँ पर ग्लास मिलता है। उसी के साथ में यहाँ पर हमारे पास में सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले एक तो ये बटन है, इससे आप ये ग्लास फोल्ड कर सकते हो। तो अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो तो इस आगे वाले से ग्लास फोल्ड कर लो। उसी के साथ में आपने ये वाला जो है इधर का दबाया और ये वाला जो ग्लास है इसको हम हमारे हिसाब से, देखो गाइस ऊपर की तरफ हमने हमारे हिसाब से एडजस्ट कर दिया। इसी प्रकार उसके दूसरी तरफ वाला जो है इससे हमने ये वाला ग्लास एडजस्ट कर दिया। नाइस, तो चलो ये वाला काम तो हो गया। अब बेसिकली स्टेयरिंग जो है उसको एडजस्ट करते हैं, तो नीचे की तरफ यहाँ पर हमारे पास बटन है सो जिससे कि हम इसको टिल्ट और टेलीस्कोपिक अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने इसको यहाँ पर करा, नीचे से पुश करा और हमारा सेट है, सेट टू गो। अब सर मुझे एक बात बताओ, अब आगे की तरफ हमको क्या करना है? व्हीकल अब अपना स्टार्ट है अभी सर, ठीक है। सबसे पहले इसको ड्राइव पोजीशन में डालना है पार्किंग से हटा के। तो सबसे पहले तो बिल्कुल एरोप्लेन जैसा हमारे पास एक कंट्रोल हो गया, फील आपको वही मिलेगा सर इसमें। और सर मुझे एक बात बताओ, मैंने कल एक चीज नोटिस करी, अगर मुझे इसको न्यूट्रल करना हो जैसे अभी पार्किंग में, तो अगर मुझे इसे न्यूट्रल करना हो तो अभी डी में आ गया। बिल्कुल सर, आप वहाँ भी देख सकते हो स्क्रीन पे, वो डी पे आ गया। तो यस यहाँ पर देखो गाइस यहाँ पर डी में है। अब अगर मुझे ऐसे करूंगा तो ये आर हो रहा है, पर अगर मुझे एन करना हो तो क्या करना है आपको? जस्ट इसको थोड़ा सा होल्ड करना है न्यूट्रल पे लाके,
आप इसको बिल्कुल ये न्यूट्रल हो गया देखो सर। ओके तो उसको बिना पुश करे मुझे हल्का सा होल्ड करना पड़ेगा तो वो न्यूट्रल पे आ। तो गाइस हम फिर से आपको बता देते हैं, हमने आर डाला, हमने डी डाला, और अगर हमको इसको हल्का सा आगे करके पुश करके रखते हैं तो ये एन आ गया। तो थैंक यू सो मच, ये वाली भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम इसको डी में डालते हैं। गाइस बहुत अच्छा कैमरा की क्वालिटी आप देख सकते हो, और इसमें 360 कैमरा मिल रहा होता है, राइट। और साथ में देखो गाड़ी यहाँ पर इनविजिबल हो चुकी है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है, तो आप आराम से देख सकते हो। अब हम क्या करते हैं, जैसे आप धीरे से एक्सेलरेट वो ब्रेक छोड़ोगे, सॉरी ये क्या है भाई साहब, क्या ब्रेकिंग है इस गाड़ी की। तो मुझे बताओ सर, राइट से चले या लेफ्ट से चले? सर जहाँ से निकाल सके राइट से। तो सर कह रहे हैं बोले जहाँ से निकाल सको निकाल लो, जहाँ से आपको ये कंट्रोल महसूस हो रहा है वहाँ से। बाकी गाइस इस गाड़ी में ना 360 कैमरा होने की वजह से अभी आप देखो आपको प्रॉपर ये जो दिख रहे हैं ना लाइन्स, तो आपकी लाइन्स है, आप कहीं पर भी ना, मतलब अगर आपको कैमरा देखना आता है ना तो आप कहीं पर भी अपनी गाड़ी को टच नहीं करोगे। अब अंधे होकर कोई चले तो देखो उसकी तो बात ही अलग है। और एक चीज अच्छी रहेगी इसमें कि 360 व्यूज होने की वजह से आपको ORVM यूज करना थोड़ा सा इसमें कम यूज कर सकते हैं। हाँ, ORVM की जगह आपका यहीं से ही प्रॉपरली काम हो जाता है। पर देखो सर, ओहो अब देखो गाइस जैसे ऑब्जेक्ट पास आए ना, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब भाई साहब पास आए, वैसे इसने अलर्ट कर दिया, राइट। बिल्कुल सर, ये यहाँ पे आगे जो रडार है उसके बेस पे रहता है ये कि कितना दूर है। और आप ये देखो सर, ये वाला जो कैमरा है ना ये इतना ज्यादा प्रिसाइज है ना कि ये देखो आप कि अगर मैं यहाँ स्टेयरिंग घुमा रहा हूँ ना तो वहाँ मुझे एग्जैक्ट वो लोकेशन बता रहा है। तो देखो भाई साहब बिल्कुल सच्चे। पर फिर भी ना एक आपको बात बोलूँ सर, इंसान है ना मैक्सिमम टाइम जो ड्राइवर है ना वो खुद के स्किल्स पे भरोसा कर रहा होता है। देखो स्टेयरिंग में थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ। देखो ये फायदा है आपके पास में टेलीस्कोपिक होने का, आप अपने हिसाब से जहाँ मर्जी है वहाँ एडजस्ट कर सकते हो। तो अब हम थोड़ी सी नीचे उतार लेते हैं इस गाड़ी को और इधर की तरफ लेते हैं। भाई साहब मौज ही मौज है। मैं आपको बताऊँ सर, EV के दो फायदे मुझे बहुत बड़े लगे। पहला तो आपको ना पता ही नहीं चलता कि गाड़ी ऑन भी है, कि ऐसे लग रहा है जैसे आप ना एक बहुत कंफर्टेबल सीट पे बैठे हुए ना, सिर्फ बातें कर रहे हो और अपने आप चल रही। देखो गाइज एक तो ना सीट जो है ना, सीट बहुत कंफर्टेबल है, और स्पेशली जो पीछे की तरफ ना हल्का सा लंबार सपोर्ट जो है ना, वो तो ये मानकर चलो नेक्स्ट लेवल फीलिंग है उसकी। आप पक्का पक्का ना, आप चाहे कोई और गाड़ी लेने का मानस बनाओ, पर मेरे कहने पर ना मैं आपको सिर्फ ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार ना BYD जो कार्स है, अब हम इधर की तरफ देख लेते हैं, आप अगर कुछ भी लें मगर आप एक बार BYD का एक्सपीरियंस करने के लिए ना पक्का पक्का जयपुर वाले आउटलेट पर आना। इसके एक बार एक्सपीरियंस करने के बाद हो सकता है आपको कोई दूसरी गाड़ी ना पसंद भी ना आए। तो अब हम क्या करते हैं, हम हल्का सा सिटी वाला जो रूट है वो लेते हैं और उसके बाद में इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसके फीचर्स के ऊपर वहाँ पर बात करेंगे। अब देखो गाइस ओके, भाई साहब जो बातें करती है ना ये गाड़ी। देखो भाई साहब आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरे लेफ्ट की तरफ एक इको स्पोर्ट्स है, और जैसे आप सर दिखाओगे ना वैसे आप देखना यहाँ पर ना ये जो ब्लाइंड स्पॉट है ना ये आपको दिखा रहा होता है कि एक ट्राइंगल सा है, वो ट्राइंगल आपको दिखा रहा होता है कि अगर कोई गाड़ी आपके पास में है ना तो वो अलग से रिप्रेजेंट हो रही होती है। सर एक बार वो ट्राइंगल जो है वो आप इधर से दिखाना ताकि वो और ज्यादा क्लीन हो जाए लोगों के लिए दिखाना। माई गॉड, अब देखो जैसे गाड़ी आगे जाएगी ना वैसे ही ये ट्राइंगल अपने आप गायब हो गया, देखो आप। नाइस, तो ऐसी ना बहुत सारी चीजें इस गाड़ी के अंदर, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना भाई साहब। देखो ना सर मुझे ऐसा लगता है कोविड के बाद ना लोगों का सेफ्टी के प्रति और ट्रैफिक के प्रति तो बिल्कुल ऐसे गेम सा ओवर सा चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं गाड़ी के अंदर ऐसी जो कि यूनिक है और ड्राइव करने में जो मज़ा आ रहा है ना। अभी बेसिकली हम इस गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में है, और गाड़ी में कुल मिला के आपके पास में तीन मोड मिल रहे होते हैं। तीनों मोड के अंदर स्पोर्ट्स, नॉर्मल और इको, हम तीनों में आपको स्पीड चेक कराएंगे कि गाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी है। और सेम टाइम पर इसमें एक बहुत स्वैग वाला मोड है, जैसे आप इस बटन को दबाते हो वैसे आपकी स्क्रीन यहाँ से रोटेट हो जाती है, आप चाहो तो वापस इसको सीधा कर लो। सर मुझे एक बात बताओ, इस गाड़ी की सबसे पहले अपन ना बेसिक, अपन ने जो चार्जर वाली बात करी बाकी बातें करी, मुझे एक बात बताओ कितने इंटरवल पे ये गाड़ी सर्विस होती है?
सर देखिए जो फर्स्ट सर्विस होती है इसकी वो तो 5000 किलोमीटर पे होती है सर। ठीक है, एंड देन फिर अपन अगर इसको 20,000 के बेस पे अपन इसको ले सकते हैं तो 1,00,000 किलोमीटर तक हम इसकी लेबर फ्री सर्विस देते हैं सर। लेबर फ्री सर्विस 1,00,000 किलोमीटर तक? यस सर। ओके, सो वो 20,000 के इंटरवल पर या आप 1 ईयर के इंटरवल पर आप करवा सकते हो। ओके, तो वो 6 फ्री सर्विसेज होती है सर। और बेसिक मुझे ऐसा लगता है सर कि इसकी सर्विस में भी ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आती होगी ना सर? इसका मेंटेनेंस बिल्कुल कम है सर, क्योंकि इसमें एस सच इंजन ऑयल तो डलता नहीं है भाई साहब, तो इंजन ऑयल डलता ही नहीं है, तो उसके अंदर वो गेम तो पहले खत्म हो गया। तो आप मुझे बताओ इसके अंदर फिर बेसिकली क्या हुआ, मतलब कूलेंट वगैरह और ब्रेक पैड वगैरह जो चीजें घिसती है? एयर फिल्टर हो गए सर, ब्रेक पैड हो गए, कूलेंट हो गया सर। ओके, नहीं एयर फिल्टर मतलब केबिन फिल्टर हुआ है ना? हाँ। क्योंकि इंजन में तो कुछ है ही नहीं अंदर के लिए बस। यस, केबिन फिल्टर जो है वो डलता है। और गाइज एक और चीज आप लोगों को अभी बता देते हैं, इस गाड़ी के अंदर आप ये मानकर चलो कि प्योरीफायर लगा हुआ है, राइट? सो जो कि एयर को प्योरीफाई कर रहा होता है, तो आप जो प्योरीफायर है उसके थ्रू अंदर की तरफ ये मान लो कि बिल्कुल माय गॉड। तो देखो गाइज अब मैं ना इस गाड़ी को हल्का सा साइड में लेकर ये चीज भी आपको दिखाई देते हैं। ये कल मैं बैठकर पूरा का पूरा इसका एक्सपीरियंस कर रहा था, तब मैंने ये चीज नोटिस करी इस गाड़ी के अंदर। इसके अंदर एयर प्योरीफायर जो है वो आपका एग्जैक्ट इसमें कैलकुलेट कर रहा होता है कि इस वक्त है ना कितने पीएम जो है। मैं इसको इंडिकेटर ले लेता हूँ सर। मुझे एक बात बताओ, एक तो क्विक प्योरीफायर आ गया, 2.5 डिटेक्शन आ गया, और ये जो है ये अभी गाड़ी के अंदर जितनी भी एयर है उसको प्योरीफाई कर रहा है। अगर मैं इसको दबाता हूँ तो गाड़ी में वो पूरे के अंदर अपने आप हाई स्पीड चल के, और आप ये देखो गाइस बहुत तेज एकदम से हवा हो चुकी है और वो गाड़ी के अंदर प्योरिफिकेशन जो लेवल है उसको वापस बराबर करने में लगा हुआ, ताकि गाड़ी के अंदर पोलेंस और बाकी सारी चीज़ें निकल जाए। तो देखो गाइस इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट आपकी गाड़ी है ना, जिसमें छोटी छोटी सारी चीज़ें आपको मिल रही होती है। अब मैं आप लोगों को ना जब तक ये प्योरीफायर हो रहा है तब तक आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। इस गाड़ी में ना ऑटो ब्रेकिंग है, मतलब ऑटो होल्ड करके जो फीचर आता है। अभी गाड़ी हमारी डी में है, मगर जैसे ही मैं एक्सेलेरेटर छोड़ रहा हूँ वैसे मेरी गाड़ी आगे की तरफ चलने लग गई, देख रहे हो आप? तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल फीचर, मगर इसमें दूसरा जो स्पेशल फीचर आता है वो ये आता है कि अगर मैं गाड़ी में ऑटो होल्ड पुश कर देता हूँ तो अब होगा क्या कि मेरी गाड़ी इस वक्त होल्ड पर है, मैंने मेरी गाड़ी को एक्सेलरेट करा, जैसे ही सामने रेड लाइट आई और मैंने ब्रेक लगाया, अब आप देखो इस वक्त मेरी गाड़ी डी में है, यहाँ से भी आप देख सकते हो मेरी गाड़ी डी में है, मगर मैंने नीचे से ब्रेक छोड़ रखा है। मेरे डी में होने के बाद में भी गाड़ी जो है वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगी। सबसे पहले ये वाला जो फीचर था ना, ये मैंने XUV700 में एक्सपीरियंस करा था, ऑटो होल्ड ब्रेकिंग वाला, और उसके बाद में सेम का सेम फीचर आज मैं इस गाड़ी में देख रहा हूँ ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप शहर में इस गाड़ी को चला रहे होते हो ना तो आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में होते हो, इस वजह से क्योंकि आपकी गाड़ी के अंदर ना ऑटो होल्ड लग जाता है। तो अब हम जहाँ पर भी जिस रास्ते जा रहे होंगे वहाँ से हम ऑटो होल्ड चलाएंगे। अगर हम चाहें तो हम इस ऑटो होल्ड को, आप एक काम कर लो एसी के फ़ैन को थोड़ा कम कर दो, यस थैंक यू सो मच, तो ये भी आप कर सकते हो। और इसके अंदर ना एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाड़ी चलाते वक्त, हम ना एक काम करते हैं इस गाड़ी में हल्का सा ना कर्टेन ओपन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें आसानी से दिखे, जिसके लिए बहुत बेसिक सा फंक्शन है। करना ये होता है कि ऊपर की तरफ इसके में आप कर्टेन ऊपर कर सकते हो। सर एक बार कर्टेन करके दिखाना, यहाँ से जो बटन है इसको आप ऐसे प्रेस कर दो और आराम से आपका सिर्फ कर्टेन जो है वो पूरा का पूरा पीछे चले जाएगा। गाड़ी के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारी सनरूफ मिल रही होती है, जिसकी ना बहुत ही प्यारी, मतलब जिसे कहते हैं ना फील। और देखो जयपुर का मौसम भी अच्छा है और उसके साथ में बिल्कुल आपको एम्बियंस देखो आपकी पूरा का पूरा ना आपको ऐसे दिख रहा होता है जैसे कहते हैं ना खुला आकाश के नीचे वाली फीलिंग। और सर ये वाली जो फीलिंग है ना, आई विश मैं जल्दी ना इसको किसी जैसे कहते हैं ना सांबर वाम्बर जैसी जगह, क्या आप अपनी इलेक्ट्रिक कार के अंदर है ना रात को कैंपिंग करके सो रहे हो और ऊपर की तरफ आपको तारे टिमटिमाते हुए दिख रहे हैं। तो अभी हमारी जो एवरेज स्पीड है वो हमने रख रखी है, थोड़ी देर में हम इस गाड़ी में एडास के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। पहला फीचर तो हमने दिखाई दिया कि जैसे ये देखो इधर की तरफ आप देख रहे हो यहाँ पर ऑरेंज आपके पास में ट्राइंगल आया क्योंकि पीछे की तरफ व्हीकल था, तो आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटर में उसने हेल्प कर दी। सो गाइज अब हम बिल्कुल रोड के साइड में आ चुके हैं, अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इसके एडास के फंक्शंस। सो सबसे पहले आपको ये जो पॉइंट है यहाँ से
सबसे पहले क्रूज कंट्रोल सेट करना होता है। अब फ्रंट वाली स्क्रीन पे जब आप देखते हो ना, तो वहाँ हल्का सा आपको क्रूज कंट्रोल का एक साइन सा बना हुआ आएगा, मगर वो वाइट होगा, क्योंकि देखो जो वाइट होता है ना, तो उसका मतलब होता है कि आपका क्रूज कंट्रोल स्टैंड बाय है, और जैसे ही वो ग्रीन होता है वैसे हो जाता है एक्टिव। तो आप क्या करोगे, आप सीधे की सीधे, अब इस गाड़ी हम चला रहे हैं, आप अपने हिसाब से एक्सेलरेट कर रहे हो, मगर मेरे को 30 से ऊपर की स्पीड रखनी पड़ेगी। जैसे मैं इस बटन को ऐसे दबाऊंगा, वैसे ही अभी मेरा क्रूज कंट्रोल चालू हो चुका है, और क्रूज कंट्रोल है 45 पर। अब देखो आगे की तरफ मेरे एक चल रहा है एक ऑटो धीमे धीमे, तो जैसे ही मैं इसके पीछे गया, वैसे आप ये देखो गाइस कि मेरी जो गाड़ी है ना, इसके पीछे रहने पर बिल्कुल स्लो डाउन होके इसी के बराबर चल रही है। जैसे वो गाड़ी साइड में हुई, वैसे ही मेरी गाड़ी ने वापस स्पीड कैरी कर ली, और अब ये वापस स्पीड में आ चुकी है। तो जो हम XUV 700 जैसी गाड़ियों में एडास की बात करते हैं ना, उसका टॉप लेवल मतलब सेकेंड लेवल इस गाड़ी में एडास आ रहा होता है। और इसमें ना आपको सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो ये है कि यहाँ पर लगा हुआ आपका कैमरा और वहाँ पर लगा हुआ है आपका जो रडार है वो। अब देखो यहाँ पर लेन नहीं है, तो लेन ना होने की वजह से यहाँ पर ये गाड़ी अपनी लेन ढूंढ नहीं पा रही है, मगर जैसे इसने लेन ढूंढी वैसे ही ये गाड़ी सेंटर में आ चुकी, देख पा रहे हो आप। अब अगर मैं स्टेयरिंग को हल्का सा इधर काट देता हूँ, तो ये अपने आप मेरे को ना सेंटर में लेकर आ रही है, जो कि इसका एक्चुअल फीचर है। आप देख रहे हो, अगर मैंने वापस इस गाड़ी को ऐसे कर दिया, तो आप ये देखो ये वापस मुझको लेन में लेकर आ रही है बिना कुछ करे। तो ये जो चीज़ है, इसको बोलते हैं लेन असिस्टेंस। तो जब आप अपनी गाड़ी को लेन में रखते हो, आपकी लेन में रहेगी। सपोज करो मुझे लेन से बाहर निकलना है, मैंने इंडिकेटर दिया, अब अगर मैं स्टेयरिंग को काट रहा हूँ, तो आप ये देखो मेरी गाड़ी आराम से इधर की तरफ कटी, मैंने वापस आपका इंडिकेटर छोड़ा और मेरी इस गाड़ी इस लेन में आ गई। तो जिन लोगों का ये सवाल होता है कि भाई साहब मैं गाड़ी को लेन में चला रहा हूँ मगर मुझे बाहर भी तो जाना है, तो आप भाई साहब इंडिकेटर दो, 700 में भी दो, इसमें भी दो, और एडास की किसी भी गाड़ी में दो, अपने आप आपकी गाड़ी वहाँ जाकर स्लो डाउन हो जाएगी। अब आगे की तरफ है रेड लाइट। तो अब हम जो दूसरा फंक्शन देखने वाले हैं वो है अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल प्लस स्मार्ट एंड स्टॉप ब्रेकिंग। अब देखो मैंने स्टेयरिंग को पकड़ा, क्योंकि इसने मुझे कहा स्टेयरिंग पकड़ो, सामने वाले व्हीकल जो हैं वो रुके हुए हैं, तो इस चक्कर में मेरी गाड़ी अपने आप स्लो हो गई, आगे की तरफ कोई व्हीकल आपके नहीं है, तो आपकी गाड़ी ने वापस स्पीड कैरी कर ली। तो अगर वहाँ गाड़ी रुकी हुई होती तो आपकी गाड़ी बिल्कुल रुक भी जाती। अब अगर हम इस ट्रक के पीछे हमारी गाड़ी को रख रहे हैं, तो आप ये देखो गाइज मेरी गाड़ी की 45 स्पीड थी, मगर मेरी गाड़ी 36 चल रही है, क्योंकि सामने वाला जो व्हीकल है उसके रेफरेंस में मेरी गाड़ी अपने आप स्लो डाउन हो गई। जब आप चल रहे होते हो ना, तो एक चीज तो सर मैंने नोटिस करी, जगत में बहुत सारे लोग आपकी गाड़ी को नोटिस कर रहे होते हैं। बिल्कुल सर, वो तो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन तो देखो गाइज है। तो हम ट्रक के पीछे चल रहे हैं, तो अभी हमारी गाड़ी आराम से यहाँ 35 चल रही है। जैसे ही मैंने इसको टर्न करा, देखो गाइस जैसे ही मैंने इस गाड़ी को बाहर निकाला, अपने आप मेरी गाड़ी की स्पीड तेज हो गई। भाई साहब कोशिश कर रहे हैं बीच में आने की, प्लीज ऐसा मत करो। हालांकि इस गाड़ी में इमरजेंसी ब्रेकिंग है, इन केस अगर झटके से कोई भी आ जाएगा तो आपकी गाड़ी अपने आप स्लो डाउन हो जाएगी। अब देखो 45 है। अब मैं एक और चीज आपको बताता हूँ, सपोज करो मेरा क्रूज कंट्रोल 45 है, मुझे इसको ओवरटेक करना है, अगर मैं एक्सेलरेट करूंगा तो मेरी गाड़ी अपने आप फास्ट हो जाएगी, मगर जैसे ही मैं एक्सेलरेटर छोड़ूंगा वैसे ही आपकी गाड़ी जो पुराना रेफरेंस था स्पीड का उसी के ऊपर वापस आ रही होती है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं अगली चीज़ जो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं ओवरराइड कर ही लेता हूँ इसको, हल्का सा स्पीड करा, मैं सेंटर वाली लेन में आ चुका हूँ। अब देखो आप इस वक्त लेन असिस्टेंस चालू होने की वजह से मेरी गाड़ी ना हल्का सा स्टेयरिंग भारी भारी हो रहा है, क्योंकि वो ट्राई कर रही है कि आपको ना, मैं स्पीड हल्की सी इंक्रीज कर लेता हूँ, क्योंकि आपकी गाड़ी जो है वो ट्राई कर रही है कि वो लेन में रहे। तो आपकी गाड़ी में ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग हो जाता है, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल हो जाता है, उसी के साथ में इमरजेंसी ब्रेकिंग आपकी गाड़ी में होती है, जिसकी वजह से जब आप इसको चलाओ तो आप कहीं पर भी परेशान ना हो। अब देखो हमने ना स्पीड कम करी ना, तो गाड़ी की स्पीड कम हो गई। तो ये तो रहे हमारे एडास के फंक्शंस। अब इसमें ना दो चीज़ें होती है, जो सामने व्हीकल है उसके और बीच में। देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ये रेफरेंस ना इस वाले बस से दिखाता हूँ, क्योंकि ये बस हमारे लिए बिल्कुल सही सब्जेक्ट है। मैं इस बस के पीछे की तरफ मेरी गाड़ी को रख रहा हूँ। अब इसके अंदर जब मैंने पीछे रखा और मैंने क्रूज कंट्रोल एक्टिव करा, तो यहाँ आपके पास में दो बटन है, एक से आपका जो गैप है, ये जो चार लाइंस है ये बढ़ गई है, इससे आपकी वो चारों लाइंस कम हो रही है। अब ये क्या काम करती है कि जैसे ही आपकी गाड़ी किसी ऑब्जेक्ट के पास जाती है वैसे ही आपकी गाड़ी वहाँ पर ब्रेक लगा रही होती है। तो अभी हमारे पास सिंगल लाइन है, तो आपकी गाड़ी बिल्कुल क्लोज जाके ब्रेक लगाएगी। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, जैसे मैंने बढ़ाया, तो आप ये देखो हमारी गाड़ी ने गैप मेंटेन करने लग गई। तो जब आप बहुत ही
ज़्यादा क्लोज ट्रैफिक वाले से रस्तों पे चलोगे तो आप कोशिश ये करोगे कि इसको मिनिमम कर दो, ताकि उस गाड़ी के बिल्कुल पास ही जाके आपकी ब्रेक लगे, बीच में बहुत ज़्यादा गैप ना हो। मगर वहीं जब आप हाईवे पे इस चीज़ को ट्राई करोगे तो आपको इसको ब्रेकिंग को ज़्यादा रखना होगा ताकि आप आराम से वहाँ ड्राइव करें। देखो मैंने 55 क्रूज कंट्रोल सेट कर रखा है पर मेरी गाड़ी 45 चल रही है। जैसे ही मैंने इसको बाहर निकाला वैसे ही मेरी गाड़ी अपने आप फुल स्पीड के अंदर वापस आगे की तरफ निकल जाएगी। मतलब सामने की तरफ यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है इसलिए हल्की सी स्लो है, पर इस तरीके से पूरा का पूरा जो हमारी गाड़ी है उसका एडास काम कर रहा होता है। सो भाई लोगों, अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इस गाड़ी की टॉप स्पीड किस किस मोड में क्या क्या आ रही होती है। तो सबसे पहले ये जो जगह, यहाँ से आप ड्राइव मोड सेट कर सकते हो, हमने इसको इको मोड में सेट कर लिया। अब हम गाड़ी चलाते हैं, इस तरफ कर लेते हैं इस गाड़ी को। देखो गाइज, आगे की तरफ ना बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, तभी हमने ये वाली चीज़ ट्राई करी। अब आप अपनी गाड़ी को स्टेशनरी आपने रखा और 3, 2, 1 गो। तो गाइज आपकी अप्रॉक्सीमेटली 100 की जो स्पीड है वो आपकी इको मोड में कुछ इस प्रकार से आ रही होती है। अब हम हला रही गाड़ी को हल्की सी पीछे ले लेते हैं ताकि हमको फिर से ऐसा कैसा गैप मिल जाए। अब हम क्या करते हैं, सेम की सेम जो स्पीड है उसको ट्राई करते हैं सेकंड वाले हमारे मोड में, जो कि है नॉर्मल। एक मिनट, तो नॉर्मल जैसे आप मोड में लेकर आते हो वैसे ही आपका कुछ इस तरीके से कंसोल दिखता है। सर मुझे एक बात बताओ, इस गाड़ी के अंदर जब स्पोर्ट्स डालते हैं तो ही रेड वाला कंसोल दिखता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमारी 13 की स्पीड है, अब हम करते हैं इसको फुल स्पीड। देखो एक्सेलरेशन है गजब का, फुल स्पीड आपको पता भी नहीं चलती कितनी जल्दी आपकी गाड़ी एक्सेलरेट हो जाती है। अब हमने करी इसको स्लो डाउन। मुझे लगता है सर कंबशन इंजन और इसमें यही फर्क है। हाँ, आप अपनी गाड़ी को जो एक्सेलरेट करते हो ना, आपको पता भी नहीं चलता आपकी गाड़ी कितनी जल्दी इंस्टेंट टॉर्क ले रही होती है। और सर मुझे एक बात बताओ, पावर फिगर इस गाड़ी की और वारंटी, दो सवाल ऐसे जो कि लोग बार बार पूछ ही लेते हैं। ओके। तो आप मुझे बताओ सर, एक तो वारंटी इस गाड़ी की कितनी है? सर इसकी बैटरी जो वारंटी आएगी सर 8 इयर्स एंड 1,60,000 किलोमीटर की इसकी बैटरी वारंटी है सर। ओके ओके। मोटर कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो वो 8 इयर्स एंड 1,50,000 किलोमीटर की है सर। वाओ। एंड देन ऑल व्हीकल की अगर बात करें तो 6 इयर्स की वारंटी आएगी सर। नाइस नाइस नाइस। तो ये रहा बा, अब हम क्या करते हैं, वापस टर्न लेते हैं और हम इसको स्पोर्ट्स में ट्राई करते हैं जो कि इसका मोस्ट पावरफुल मोड है, कि उसमें गाड़ी कितनी जल्दी एक्सेलरेट हो रही है। सो गाइज, अब हमने हमारी गाड़ी को स्पोर्ट्स में डाल दिया है। सर मुझे एक बात बताओ, इसके पावर फिगर टॉर्क फिगर कुछ तो बताओ कि क्या क्या है। अगर इसके स्पोर्ट्स मोड की बात करें ना अगर सर, हाँ। तो इसका जो पावर पिकअप आता है उसमें सबसे पहले जो टॉर्क है सर वो 310 Nm का टॉर्क आएगा सर इसके अंदर। माय गॉड। और 150 किलोवाट इसका मोटर पावर जनरेट करता है। Okay. 204 BHP के साथ। वाओ। अब देखो गाइज, हम इस स्पीड में चल रहे हैं, अब हम आपको दिखाते हैं इंस्टेंट टॉर्क की क्या टॉर्क इस गाड़ी में आपको मिल रहा होता है। भर के पावर स्लाइड है आपकी गाड़ी के अंदर और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपकी गाड़ी ओवर एक्सेलरेट हो चुकी होती है। गजब, नेक्स्ट लेवल। सर एक बात कहूं मैं आपको, 120 पता भी नहीं चला मुझको कि कब इस गाड़ी ने 120 पकड़ी। और कुछ सेकंड के लिए तो गाड़ी में जो कहते हैं ना सडन पावर स्लाइड टायर्स में, वैसी महसूस हुई है। मुझे लगता है हमारे बगल में जो थार वाले भैया चल रहे थे ना, वो ओवर स्पीड में थे, मगर जैसे उनको रियलाइज हुआ ना कि नहीं यार ये नहीं है स्पीड, स्पीड तो ये है। देख भी रहे थे। माय गॉड। सो गाइस, ये रही इसका पूरा का पूरा स्पीड का फिगर। अब हम इस गाड़ी को टर्न लेते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी ब्रेकिंग। अब देखो गाइस, BYD में एटो 3 के अंदर बहुत सारे और सरप्राइजेज होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर आपके पास में यह सेटिंग्स के ऑप्शन आते हैं जिसके अंदर आप स्टेयरिंग को हार्ड और सॉफ्ट कर सकते हो। तो जब आप स्पोर्ट्स में चला रहे हो तो आप इसे स्पोर्ट्स में करें। स्पोर्ट्स में करने पे होगा क्या, स्टेयरिंग थोड़ा सा भारी भारी हो जाएगा। तो जब आप हाई स्पीड चलते हैं तो आपका स्टेयरिंग भारी होना चाहिए, मगर यहीं से एक क्लिक करके आप अपने स्टेयरिंग को सॉफ्ट कर सकते हो। आपकी मर्जी है वैसे इसको घुमा रहे होंगे, मगर बात यही खत्म नहीं होती है। इसमें आपको मिलती है ब्रेकिंग असिस्टेंस जिसको आप स्पोर्ट्स और नॉर्मल कर सकते हो। सर मुझे एक बात बताओ, कंफर्ट में ब्रेकिंग नॉर्मल लगेगी राइट? और स्पोर्ट्स में करने के बाद आपकी ब्रेकिंग थोड़ी इंटेंस हो जाएगी। तो अगर मुझे बताओ गाइस, अगर मैं इस गाड़ी को स्पोर्ट्स में रखता हूँ
तो मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि अगर मैं इस गाड़ी की ब्रेकिंग करता हूँ तो ये गाड़ी कितनी जल्दी रुक जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम एक नॉर्मल स्पीड में इस गाड़ी को चलाते हैं। अगर कोई भी इस गाड़ी को चलाएगा तो, और मुझे पीछे ना देख कर ध्यान से ब्रेकिंग करूँगा मैं, और मैं पर करूँगा हार्ड पैनिक ब्रेकिंग। तो जब आप 50-60 की स्पीड में चल रहे होते हो ना अपनी गाड़ी को लेकर, तो सडनली किसी भी वजह से आपको पैनिक ब्रेकिंग करनी पड़ जाती है। तो अभी हम उस चीज़ को भी टेस्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारी गाड़ी को हमने करा, सर रेडी? या रेडी सर। ठीक है, तो हमने हमारी गाड़ी को करा 50 की स्पीड और दबाए पूरे ब्रेक। गजब, नेक्स्ट लेवल। अब देखो इसमें जैसे ही मैंने ब्रेकिंग करी ना, वैसे ही ABS, EBD जैसे जितने भी फीचर्स थे उन सब ने पूरी तरह रिएक्ट करा और गाड़ी को बहुत ही जल्दी इंस्टेंट ऑन एन इंस्टेंट रोका है। अब मैं सेम की सेम चीज़ आपको बाहर से दिखाता हूँ। सो गाइज, अब दिखाते हैं आपको कि अगर गाड़ी दूर से आ रही है, आप स्पीड देखो आप, और यहीं की यहीं आपकी गाड़ी ने ब्रेकिंग कर दी बिना किसी एफर्ट के। तो बाहर से भी अब आप गाड़ी को देख सकते हो कैसी दिख रही है। जैसे ही गाड़ी ने ब्रेक लगाए बिल्कुल भी आपके टायर स्किड नहीं हुए, प्रॉपरली वहीं की वहीं स्टेबल होके रुकी। और क्योंकि गाड़ी के अंदर पीछे की तरफ जो है स्पेस बिल्कुल भी वेट नहीं है, आगे की तरफ भी उतना वेट नहीं है, सारा वेट है ना सेंटर ऑफ मास वो नीचे की तरफ है, इस वजह से आपकी गाड़ी बहुत ही स्टेबल होकर नीचे की तरफ रुकी है। सो गाइस, एटो 3 के अंदर ब्रेकिंग और बाकी सारा पावर परफॉर्मेंस उनके ऊपर तो हमने बात कर ली, मगर एक छोटी सी चीज़ और रह जाती, वो है वाइपर कंट्रोल्स। सो जैसे ही ये वाइपर कंट्रोल आप देखोगे, सबसे पहले ये वाला जो नॉब है, जब आप इसको घुमाते हो तो आप देखो पीछे की तरफ ना, पीछे वाला जो वाइपर है वो इस वक्त काम कर रहा है, और उसी के साथ में जब आप इसको ऐसे लॉन्ग पुश करते हो, ये वाले को लॉन्ग पुश करते हो, तो पीछे की तरफ वहाँ देखना, पीछे की तरफ फ्लूइड भी आपको है ना उसमें दिख रहा होगा। वैसे ही आप इसको यहाँ से ऐसे प्रेस करके रखोगे तो फ्रंट वाला जो वाइपर है इसके अंदर भी आपका इस तरीके से फ्लूइड चल रहा होता है, और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी आपके वाइपर है। और पूरा का पूरा देखो गाइस, आपका ग्लास कवर हो रहा है। उसी के साथ आप इसको नीचे की तरफ सिंगल पुश होता है, और ऊपर मल्टीपल पुश करने पर आपकी यहाँ से स्पीड चेंज हो जाती है। सो गाइज, अगली चीज़ जो कि हर EV कार के अंदर होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो है रीजनरेशन और रीजनरेशन के लेवल। सो रीजनरेशन के बारे में आप ये समझो कि जब भी आप अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करते हो तो उसकी वजह से आपकी गाड़ी वापस कुछ एनर्जी बनाकर बैटरी में स्टोर कर रही होती है। अब अगर आप रीजनरेशन ज़्यादा कर देते हो तो उसकी वजह से आपकी गाड़ी ज़्यादा जल्दी से स्लो डाउन होती है, तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। कई बार की होता है ना कि यार वो बड़ी ऑड सी फीलिंग है, इसीलिए उसको आप चेंज कर सकते हो अलग अलग लेवल में। तो यहाँ पर आपको ना, सर मुझे एक बात बताओ, रीजनरेशन करते कैसे, पहले तो ये बताओ। सर रीजनरेशन के लिए जैसे, अच्छा इस वक्त आपने चालू कर दिया, नाइस नाइस। तो देखो गाइस, इस वक्त ना गाड़ी की बैटरी जो है उससे मोटर चल रही है, राइट? देख सकते हो, जैसे ये मोटर वापस से अब इलेक्ट्रिसिटी बैटरी को चार्ज कर रही है। और इसके लिए दो रीजनरेशन है, वो है एक तो स्टैंडर्ड, एक हाई। तो अभी स्टैंडर्ड में जैसे ही मैंने गाड़ी चलाई, मैंने एक्सेलरेटर छोड़ा, और आप देखो वापस पावर उल्टी जा रही है, देख रहे हो उल्टी इस तरफ जा रही है। अब इसको ना सर आप हाई कर दो एक बार, तो अगर हाई कर देते हो तो उससे फर्क क्या होता है, मेरी गाड़ी जैसे ही मैंने ब्रेक वो एक्सेलरेटर छोड़ा, वैसे ही ये अब थोड़ी सी ऐसे लगता है जैसे हल्का सा कोई ब्रेक लग रहा हो। तो इसकी वजह से ये जो रीजनरेशन है ये ज़्यादा होता है, मगर आपकी जो गाड़ी है ना वो ब्रेक छोड़ते, मतलब एक्सेलरेटर छोड़ते झटके से स्लो रही होती है। आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हो स्क्रीन से, और उसी के साथ में यहाँ पर भी आपके पास मोड है जिससे आप इस रीजनरेशन वाले लेवल को चेंज कर सकते हो। तो ये तो रही यहाँ की सारी बातें, अब थोड़ी सी और चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी गाड़ी में आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही होती है चारों तरफ से, जहाँ से भी आप देख रहे होते हो। उसी के साथ में स्टेयरिंग पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रैप होने की वजह से, जैसे कहते हैं ना स्टेयरिंग रैप्ड होने की वजह से, आपको स्पोर्टी भी फील हो रहा होता है, और उसके साथ में आपके स्टेयरिंग की जो ग्रिप है वो भी अच्छी होती है। मतलब ड्राइव करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर हैंड रेस्ट है, तो आप आराम से यहाँ पर भी हाथ रख रहे होते हो, और यहाँ पर भी आपके पास हैंड रेस्ट है जिससे कि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। साथ ही के अंदर गाड़ी में एम्बिएंट लाइट है, तो सर एक बात बताओ गाड़ी में कहाँ कहाँ एम्बिएंट लाइट आपको मिल रही होती है? एम्बिएंट लाइट पूरे व्हीकल के अंदर है अपने, अगर अपन बात करें एम्बिएंट लाइटिंग की, तो ये देखिए एम्बिएंट लाइट का पोर्शन है, बट अभी क्या डे की वजह से अपन थोड़ा इसको, हाँ मतलब रात को होती तो हम इस चीज को, इसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप देख सकते हो पूरा व्हीकल जो है ना एम्बिएंट लाइट से कवर है सर इस टाइम। यस यस यस, कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हो, इसके साथ ही आप कौन से एरिया के अंदर आपको लाइटिंग ज्यादा रखनी है, होल व्हीकल फ्रंट रेयर जिसमें भी आपको जिस तरह से लाइट चाहिए आप वो यहाँ से इसको पूरा, और इवन रिदम के साथ उसको सेट भी कर सकते हो। बिल्कुल सर, म्यूजिक रिदम इसका ऑन है,
डायनेमिक सी स्टार कलरफुल, आप यहाँ से इसको पूरी सेटिंग्स को चेक कर सकते हो। नाइस, तो गाइज हम क्या करेंगे, हम रात के टाइम ना, शाम के टाइम इसके ऊपर डिटेल्ड एक वीडियो बना देंगे ताकि वो चीज आपको ना और आसानी से समझ में आ जाए। Please be careful of cars coming behind you and opening the door. तो सर ये वाली जो चीज है ये कब काम करती है, जब आपकी गाड़ी ऑन है और अगर आपने दरवाजा खोला और ब्लाइंड स्पॉट पे कुछ भी दिखा तो ये गाड़ी आपको अलग से वार्न कर रही होती है, अलर्ट दे देगी कि पीछे देख लीजिए कि कोई गाड़ी आ रही है या कोई ऑब्जेक्ट। माय गॉड, सो गाइस देख सकते हो कि कितनी अच्छी चीज है। अब हम पीछे वाली रियर वाली सीट पे चल रहे हैं और यहाँ से हम आपको बताते हैं हमारे बैग को। समझ गया मेरी माँ, समझ गया। तो ये बहुत अच्छी चीज आगे की होगी। अब हम पीछे बैठकर पीछे वाला जो कंफर्ट है उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी और बताते हैं कि यार पीछे कैसा आपको लग रहा होता है। सो गाइस देखो, अब हम पीछे वाली जैसे सीट पे आ रहे हैं वैसे ही हम नोटिस करेंगे कि एक तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर फील, जैसे कहते हैं ना फील गुड वाला, वैसे आपकी जगह यहाँ पर हमारा हैंडरेस्ट हमने लगा लिया और हैंडरेस्ट पे आराम से आप हाथ रखो, आपके पास बहुत सारा लेग रूम है बैठने का। और सर एक बात बताओ, आपकी हाइट कितनी है? समझिए 5'9" है। 5'9" है ना, तो 5'9" के ड्राइवर बैठे हुए हैं और उनके हिसाब से पीछे बैठने के हिसाब से आप देखो आपके पास कितना स्पेस हो गया गाड़ी के अंदर। आपके पास में चार स्पीकर और चार ट्विटर मिलते हैं, तो यहाँ पर आपके जो ट्विटर है उनका प्लेसमेंट है और डायरेक्ट करके एक ब्रांड है उसके गाड़ी में स्पीकर आते हैं। अलग से हम एक शॉर्ट रील वगैरह बना देंगे ताकि उसके अंदर आपको इसकी साउंड क्वालिटी जो है वो भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये तो रही यहाँ की बातें और अब आपको दिखाते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में जो चार्जिंग पोर्ट है उससे आप आराम से चीज़ों को चार्ज कर सकते हो। विजिबिलिटी क्लॉस्ट्रोफोबी बिल्कुल भी नहीं है, आपको सारी चीज़ें आराम से दिख रही होती है और गाड़ी के अंदर जिसे कहते हैं ना फील फिट फिनिश, वो सारी की सारी चीज़ें देखने में भी अच्छी है, चलने में भी अच्छी है और बहुत सारी जनता आपको नोटिस भी कर रही होती है इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए। सो भाई लोगों, पूरा का पूरा BYD एटो 3 का एक्सपीरियंस करके बहुत ही मज़ा आया। आराम से आपका हेडरूम, लेग रूम और उसके साथ में कंफर्ट जोन जो है वो तो आप अभी देख ही रहे थे। अगर इस गाड़ी का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप एटो 3 ओनर हो और अगर इन सारी चीज़ों से आपको और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपको समझ में आया कि एडास कैसे काम करता है, बाकी सारे फीचर कैसे काम करते हैं, तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी भी फ्यूचर अपडेट के लिए। आपको किसी भी चीज़ से कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सेम टाइम पर BYD का एक्सपीरियंस लेने के लिए जयपुर में जो आउटलेट है वहाँ पर आप जाइए, बोलिए कि आपने जोजो का व्लॉग देखा था, आप गाड़ी का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इससे मेरे लिए अच्छी बात नहीं हो सकती कुछ भी। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में और इंतज़ार कीजिएगा कि अगला व्लॉग कौन सा आएगा। बाय बाय।